सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोहित द हिटमैन चैनल। तो अभी हम लोग कवर करेंगे जो इटालियन सुपर कप का सेकंड मैच होने वाला है, बास्केट ब्रिंडिसी वर्सेस डिनामो सासारी के बीच में। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप मेरे यूट्यूब के चैनल को आज फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है और नीचे जो आपको बेल आइकन दिखेगा उसको आपको प्रेस ज़रूर करना है, क्योंकि जो कुछ मैं स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, लाइनअप और इंजरी न्यूज़, ये सारे डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूँगा और सारे डिटेल्स आपको मेरे यूट्यूब के चैनल पर मिलेंगे। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है और जैसे मैंने बताया कि बेल आइकन को आपको प्रेस करना है ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करो, ठीक है। उसके बाद सेकेंड चीज़ आपको बता दूँ, अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हो तो टेलीग्राम पे आपको सर्च करना पड़ेगा रोहित द हिटमैन ड्रीम इलेवन करके, ठीक है। या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जुड़ सकते हो, ठीक है। लाइनअप में लास्ट में कुछ चेंजेस होंगे या आपको इंजरी रिपोर्ट आती है तो सारे चेंजेस अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल रोहित द हिटमैन ड्रीम इलेवन पे प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो सीधा बात करते हैं स्टैट्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो फर्स्ट टीम है सासारी, उसके स्टैट्स के बारे में, ठीक है। 77-61 से लास्ट मैच विन की थी, टी बैटल 10 पॉइंट्स, 4 रिबाउंड, 2 असिस्ट 24 मिनट्स में। उसके बाद में है बर्नल, देख सकते हो आप 20 पॉइंट्स, 5 रिबाउंड, 1 असिस्ट 23 मिनट्स में। मैकाउलो को स्टार्ट्स देख सकते हो, 5 पॉइंट्स, 4 रिबाउंड, 2 असिस्ट 23 मिनट्स। एस जेंटाइल 6 पॉइंट्स, 4 रिबाउंड, 4 असिस्ट 21 मिनट्स में। बाद में है क्लेमेंस 7 पॉइंट्स 20 मिनट्स में। ई बेंजोसिस 6 पॉइंट्स, 1 रिबाउंड, 3 असिस्ट 18 मिनट्स में। डेवेची 6 पॉइंट्स, 3 असिस्ट 16 मिनट्स में। एम चेसा 6 पॉइंट्स 13 मिनट्स में। डी लोगन 13 पॉइंट्स, 1 रिबाउंड, 1 असिस्ट 13 मिनट्स। जे बोरा 2 पॉइंट्स, 2 रिबाउंड, 1 असिस्ट 12 मिनट्स में। टी क्रायर देख सकते हो 1.3 रिबाउंड 12 मिनट्स में। और है लास्ट में गांडिनी 3 पॉइंट्स, 2 रिबाउंड, 5 मिनट्स में, ठीक है। अगर लाइनअप में कौन थे आपको मालूम करना है तो वो भी आपको बता दूँ। स्टार्टिंग की थी जे बर्नल, सी मैकाउलू, ए जेंटाइल, ए क्लेमन और ई बेंडोसिस ने। तो ये स्टार्टिंग लाइनअप थी लास्ट मैच में सासारी की तरफ से। तो मैंने आपको सासारी के स्टैट्स बता दिए हैं, तो सीधा हम लोग बात करेंगे टीम प्रियो की, ठीक है। जो सेकेंड जो टीम है बास्केट ब्रिंडिसी, ठीक है, ये लास्ट ईयर ये लोग का जो लीगा वन, लीगा ए का जो रैंकिंग था उस हिसाब से डायरेक्ट क्वालिफाई किए क्वार्टर फाइनल्स में। तो इसके स्टैट्स आपको कहाँ भी मिलेंगे नहीं, लेकिन जो मैंने प्लेयर्स के स्टैट्स निकाले उस हिसाब से आप मैंने में जो प्रोबेबल टीम बनाई हूँ वो बताते समय मैं आपको ये भी जो बिस्केट ब्रिंडिसी का मैच का प्लेयर्स का स्टैट्स है उसके बारे में भी सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं जो टीम का प्रोबेबल कॉम्बिनेशन होगा ये मैच के लिए। तो सबसे पहले देखेंगे, यहाँ से मैंने पिक किया है जे पर्किंस को, ठीक है। जो मैंने आपको टीम बता दी है सेकेंड वाली जो टीम रहेगी बास्केट ब्रिंडिसी, ठीक है। तो ब्रिंडिसी की तरफ से जे पर्किंस मेन बॉल हैंडलर है यहाँ से, तो इसको आपको किसी भी हालत में ड्रॉप नहीं करना है, ठीक है। मेन बॉल हैंडलर है तो आपको ये असिस्ट और स्टील से पॉइंट्स करवा के देंगे, प्लस पॉइंट्स भी स्कोर करेंगे, ठीक है। एस जेंटाइल बढ़िया फॉर्म में स्टार्ट करते हैं, तो एस जेंटाइल को मैंने पिक किया है। डी लोगन बढ़िया प्लेयर है लेकिन 16.5 में बहुत ज़्यादा क्रेडिट के हिसाब से मैंने उसको ड्रॉप किया है, ठीक है। तो ये यहाँ से मैंने पिक किया है जे पर्किंस को, एस जेंटाइल को। शूटिंग गार्ड सेक्शन से मैंने पिक किया है टी बैटल को, जे चैपल को, ए क्लेमेंस को, ठीक है। जे चैपल के बारे में बता दूँ, सबसे पहले एवरेज है ये लोग का 10-15 ड्रीम इलेवन पॉइंट, ठीक है। तो 9.5 में आपके लिए बेस्ट प्लेयर हो सकते हैं। तो बाद में मैंने पिक किया टी बैटल, बेंच से खेलते हैं लेकिन बहुत ही बढ़िया प्लेयर है गाइस, 20 प्लस आपको ये पॉइंट्स दिला के देंगे बेंच से खेलते हुए। देख सकते हो जैसे मैंने बताया आपको 22 पॉइंट्स, 29 पॉइंट्स देने स्कोर किए लास्ट के दो मैच में। क्लेमेंस का परफॉर्मेंस देख सकते हो, फर्स्ट मैच में थे 42 पॉइंट्स, सेकेंड में थे 9 पॉइंट्स, ठीक है। तो क्लेमेंस का भी मैंने बताया था लास्ट मैच अच्छा नहीं गया था। एसएफ सेक्शन से मैंने यहाँ से पिक किया जे बर्नल को, वो भी आपको स्टार्ट्स करते हुए दिख जाएंगे, ठीक है। ये रिबाउंड ज़्यादा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। 12.6 रिबाउंड लास्ट के मैच में, और यहाँ भी आप देख सकते हो 10 पॉइंट्स, 3 रिबाउंड्स, 3 असिस्ट स्कोर किए ये लोग ने, ठीक है। तो जे बर्नल भी आपके लिए बढ़िया प्लेयर है, ठीक है। 13.5 में जे बर्नल, जैसे मैंने कहा कि आपको ये ग्रैंड लीग में भी अच्छा खासा पॉइंट दिला सकता है, ठीक है। बाद में पीएफ सेक्शन से मैंने पिक किया एन पर्किंस को, ठीक है। एन पर्किंस के बारे में आपको बता दूँ, 13 पॉइंट्स ये एवरेज दे रहे हैं प्लस 7 रिबाउंड्स, तो आप इनसे उम्मीद कर सकते हो 20 प्लस ड्रीम रन पॉइंट आपको ये इस मैच में भी प्रोवाइड करके दे सकते हैं, ठीक है। सेंट्रल सेक्शन से मैंने पिक किया है एन अडारियन को। सी मैकाउलो का परसेंटेज आपको ज़्यादा दिख जाएगा लेकिन अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो आप देख सकते हो 19.16 पॉइंट, ठीक है। अगर आप कंपेयर करोगे एन अडारियन के, तो एड्रियन के आपको स्टैट्स बता दूँ, 17 पॉइंट्स, 7 रिबाउंड्स प्लस
वन स्टील और वन ब्लॉक, ये इसका एवरेज है। तो अप्रोक्सीमेटली ये 25 से 30 के बीच में आपको पॉइंट दिला सकते हैं। ये टीम के बेस्ट पॉइंट स्कोरर, रिबाउंडर और डिफेंसिव प्लेयर है। तो एन एड्रियन को मैंने पिक किया है। एसपीपी की बात करेंगे तो एसपी के लिए मैं जाऊंगा एन एड्रियंस के साथ, ठीक है। लेकिन आपको देखना पड़ेगा स्टार्टिंग लाइनअप में कौन है, अगर स्टार्ट नहीं करते तो मेरा एसपीपी में चेंज करूंगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं जाऊंगा एन एड्रियन के साथ, बहुत ही बेस्ट प्लेयर है गाइस, ठीक है। सिलेक्शन के ऊपर मत जाना कभी भी टीम बनाते समय, बहुत बेस्ट प्लेयर है। अगर आप खुद से भी चेक करना चाहते हो तो आप सर्च करके देख सकते हो एन एड्रियन के बारे में, ठीक है। और पीपी के लिए आपके लिए यहाँ से बहुत सारे ऑप्शंस है, जे पर्किंस, ठीक है, यहाँ से आपको दिख जाएंगे, बैटल दिख जाएंगे जो बेंच से खेलते हैं, क्लेमर्स दिख जाएंगे। तो मैं जाऊँगा यहाँ से बैटल के साथ, ठीक है। बैटल बेंच से खेलते हुए आपको दिखेंगे, अगर आपको सेफ जाना है तो क्लेमर्स या फिर जे पर्किंस के साथ भी आप जा सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं जाऊँगा बैटल के साथ, ठीक है। तो ये मेरा प्रॉबेबल कॉम्बिनेशन रहेगा स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में। आपको एस पी और पी पी के लिए बेस्ट ऑप्शन आज के मैच के लिए रहेंगे एड्रियन, बैटल, या आपको एस पी और पी पी के लिए आपके टीम में रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये मेरा प्रोबेबल कॉम्बिनेशन है बिफोर द लाइनअप। लाइनअप के बाद टेलीग्राम चैनल पे मैं अपडेट कर दूंगा कुछ चेंजेस आते हैं या लाइनअप या फिर कोई इंजर न्यूज आती है। तो गाइस वीडियो ध्यान से देखना, मेरे सारे पॉइंट्स कवर किए। आपको जो ये सेकेंड टीम है जैसे मैंने बताया, आप देख सकते हो ब्रिंडिसी, आपको कोई भी इसके बारे में स्टैट्स नहीं बताएगा, ठीक है। तो ये प्लेयर्स के बारे में भी मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है। सो अच्छा परफॉर्म करना ये मैच में, वीडियो फिर से देखना, एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस मैच, एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।